ओम सर्व मंगलम इति शुभम। श्री सिद्धि चैनल के माध्यम से मैं साध्वी श्रीदासी माँ आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की परिचर्चा होलाष्टक से संबंधित है। होली से पूर्व 8 दिन होलाष्टक के नाम से जाने जाते हैं। होलाष्टक के 8 दिन अत्यंत अशुभ माने जाते हैं। इन 8 दिनों में कोई भी शुभ एवं मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। होलाष्टक के इन्हीं 8 दिनों में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रह्लाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए, क्योंकि हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानकर सभी से अपनी पूजा कराना चाहता था, परंतु उसका स्वयं का पुत्र प्रह्लाद श्रीहरि को ही भगवान मानकर उन्हीं की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र द्वारा अपनी अवहेलना देखकर क्रोध में भरकर अनेक प्रयास किए, परंतु भक्त प्रह्लाद अपने पिता को भगवान मानने को तैयार नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि जिसका पुत्र उसे भगवान नहीं मानता, उसकी प्रजा उसे कैसे भगवान मानेगी। ऐसा विचार कर हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए। अंततः भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर भक्त प्रह्लाद की रक्षा हेतु राक्षस राज हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, जिससे देवताओं और असुरों के बीच शत्रुता और अधिक बढ़ गई। तब असुरों ने संपूर्ण सृष्टि से देव कार्यों का विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ आदि कार्य बंद हो गए। सभी मांगलिक एवं शुभ कार्यों के बंद होने से संपूर्ण संसार में अशुभता व्याप्त हो गई। होलाष्टक में राहु उग्र रहता है, जिससे संपूर्ण सृष्टि में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है। होलाष्टक के इन्हीं दिनों में महादेव जी की क्रोधाग्नि से कामदेव के भस्म होने से रति 8 दिनों तक शोक संतप्त रही और वह शिव जी के तप में लीन हो गई। होलाष्टक के इन 8 दिनों के व्यतीत होने पर फागुन पूर्णिमा को रति ने महादेव जी से वरदान प्राप्त किया। तब से सृष्टि में शुभता का आगमन हुआ। इस प्रकार होलाष्टक के इन 8 दिनों में असुरों के द्वारा देव कार्य का विरोध करने से तथा रति के शोक संतप्त होने से नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि हुई, जिसका अंत फागुनी पूर्णिमा में हुआ। पूर्णिमा को हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन और प्रह्लाद की रक्षा हुई। रति को महादेव द्वारा वरदान प्राप्त हुआ। इन दोनों कारणों से अशुभता की समाप्ति एवं शुभता का आगमन हुआ, पाप नष्ट हुआ और पुण्य में वृद्धि हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होलाष्टक फागुन शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक माना जाता है। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के समय समस्त पापों के भस्म हो जाने से सभी प्रकार की अशुभता समाप्त हो जाती है। अब हमें सावधानी के तौर पर यह ध्यान देना होगा कि होलाष्टक में क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि होलाष्टक में सभी मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। इसके अतिरिक्त होलाष्टक के समय भूमि पूजन, गृह प्रवेश, उपनयन, सगाई, विवाह आदि मांगलिक कार्य भी वर्जित किए जाते हैं। होलाष्टक के समय घर की पुताई, छत की ढलाई, छप्पर छाना, नवीन वस्त्र धारण करना आदि कार्य भी वर्जित हैं। होलाष्टक के समय ही सुहागने नए वस्त्र एवं नवीन चूड़ियां नहीं पहनती। इस समय मेहंदी लगाना एवं नया काजल बनाना भी वर्जित माना जाता है। होलाष्टक के इन 8 दिनों में अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को स्त्री सेवन से बचना चाहिए, अर्थात इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। होलाष्टक में छौर कर्म अर्थात बाल कटवाने एवं नाखून काटना भी वर्जित है। इस समय नया पौधा रोपना एवं पुराना पौधा या वृक्ष काटना भी वर्जित है। मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ करना भी हितकर नहीं है। होलाष्टक में नवीन ग्रंथ, पुराण आदि का अध्ययन प्रारंभ करना भी वर्जित है। जो पहले से चल रहा हो उसका अध्ययन किया जा सकता है। इस समय व्यापारियों द्वारा नया बही खाता भी नहीं बनाना चाहिए। नवीन बर्तनों का प्रयोग भी वर्जित है। नए आभूषण बनवाना या उसे धारण करना भी हितकर नहीं है। इस प्रकार इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए होली का पर्व बड़े उत्साह एवं आनंद से मनाएं। जय श्री राम।